एचएल टीवी न्यूज। फतेहाबाद में बस धमाके के बाद से ही यमुनानगर में भी इसका असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ लगने के कारण यमुनानगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है और उत्तर प्रदेश में आने जाने वाली सभी बसों को कालानौर पुलिस नाके पर रोक लिया और उसमें बैठे सभी यात्रियों की जांच करने के बाद उनके पते तक भी पूछे गए। ऐसे में बसों के नंबर नोट करने के बाद पुलिस ने बस में कितने यात्री बैठे हैं इसकी जानकारी भी पुलिस अगले थानों में दे रही है। ऐसे में पुलिस किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती और हर तरह से पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। जो फतेहाबाद में उसमें बस में धमाका हुआ है उसको देखते हुए जो बाहर से बसें आती हैं यूपी की तरफ से उनको चेक किया जा रहा है ताकि ऐसी घटना न घट सके। उनके बैगों को चेक किया जा रहा है, यात्रियों से पूछताछ की जा रही है, उसके बैग को अच्छी तरह चेक किया जाता है और पूछताछ की जाती है। यमुनानगर से विनोद धीमान, हलचल टीवी।